नमस्कार, मैं तेंदु ओझा आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल एग्री में स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में आपको तार फेंसिंग सब्सिडी के बारे में बताया जाएगा और योजनाओं में कैसे करना है आवेदन और क्या होंगे इसके लाभ, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान में किसानों को तारबंदी कराने पर दी जाती है 50% तक की सहायता। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य में भी किसानों को तार फेंसिंग पर सब्सिडी प्रदान की जाती है और राजस्थान सरकार की ओर से योजना 2018 में शुरू की गई थी और यह योजना सभी किसानों के लिए है जिसमें बटाईदार किसान भी शामिल है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को कुल खर्च का 50% सब्सिडी के रूप में देती है, लेकिन इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को अधिकतम 40,000 रुपए तक की सहायता कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि चेन फेंसिंग या फिर तारबंदी योजना के लाभ का क्या है उद्देश्य। आपको बता दें कि चेन फेंसिंग यानी कि तारबंदी योजना का उद्देश्य किसानों के खेत में फसलों की सुरक्षा प्रदान करना है और इसके लिए राजस्थान सरकार ने 8,39,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देने के भी लक्ष्य रखा है। इसके लिए कम से कम 3,96,000 रुपए तक की राशि उपलब्ध होगी और योजना के तहत किसानों को 400 मीटर तक तारबंदी कराने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। तो वही जानते हैं कि इस योजना का क्या है लाभ। आपको बता दें कि इस योजना की सहायता से किसान अपने खेतों में बाड़ बनाकर या फिर कहें तो तारबंदी कराकर अपने खेतों को बचा सकते हैं। तारबंदी योजना के अंतर्गत तारबंदी का 50% खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा और बाकी 50% योगदान किसान का होगा। इसमें अधिकतम ₹40,000 तक का खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस योजना के तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसान को ही लाभ प्रदान किया जाएगा और राजस्थान तारबंदी योजना के तहत अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए ही सब्सिडी दी जाएगी और इसके अलावा आवारा पशुओं द्वारा होने वाली फसल की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। और एक जरूरी आपको बात बता दें कि इसके लिए कम से कम 3,96,000 रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये जानते हैं कि इस योजना के तहत क्या है पात्रता। आपको बता दें कि किसान जो भी आवेदन करना चाहता है वो राजस्थान का ही स्थायी निवासी होना चाहिए और यह योजना का लाभ के लिए किसान के पास 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। योजना के लिए आपको कम से कम 50% तक की सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी और यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में आएगी। अगर जमीन पर पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत राशि प्राप्त है, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है और 40,000 रुपए तक की राशि की सहायता लेने के लिए पहले आपको अपने पास से 50% तक का पैसा लगाना होगा। तो आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत क्या है जरूरी दस्तावेज। आपको बता दें कि राजस्थान में तारबंदी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य है कि किसान को आवेदन करते समय फॉर्म के साथ इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो कि आपको नीचे हम बताएंगे। सबसे पहले आवेदक किसान का आधार कार्ड, फिर आवेदक का पहचान पत्र, आवेदक का निवास प्रमाण पत्र, आवेदक का राशन कार्ड, आवेदक का मोबाइल नंबर, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो और जमीन की जमाबंदी कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि तारबंदी योजना के लिए कैसे करना है आवेदन। आपको बता दें कि तारबंदी योजना राजस्थान के तहत राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी राजस्थान तारबंदी योजना 2021 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें कृषि विभाग राजस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और इसके बाद आपको यहां से तारबंदी योजना एप्लीकेशन फॉर्म PDF डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आवेदक का नाम, आधार नंबर, पिता का नाम, मोबाइल नंबर आदि भरनी होगी और सभी जानकारी ठीक से भरने के बाद आपको अपने आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेज को अटैच करना होगा और नजदीकी कृषि विभाग में जाकर जमा करना होगा। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई है वो आपने पूरी देखी होगी और वीडियो को आखिर तक देखा होगा। तो ऐसे मेरी वीडियो बने रहेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।